आज हम लोग बात करेंगे कि उद्यमिता क्या है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आप सबके अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है जो तड़फड़ा रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग अपने अंदर छुपे हुए उस एंटरप्रेन्योर को दबा देते हैं और हम कुछ मान्यताओं से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसी सोच से घिरे हुए हैं कि हम अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को पहचान नहीं सकते। कई बार ये होता है कि हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है, क्यों ना हम ये काम करें, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्यों ना हम कोई ऐसी सेवाएं शुरू करें जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन अक्सर हमारे अंदर का एक व्यक्ति उसको रोक लेता है। वो कौन होता है? वो होती है हमारे अंदर की निगेटिव थिंकिंग। हम ये सोचते हैं कि इतना बड़ा सेटअप होगा तभी हम शुरू करेंगे, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा तभी हम शुरू करेंगे, हमारे पास इतनी पूंजी होगी तभी हम शुरू करेंगे। ये सब हमारी खुद के बनाए हुए बंधन हैं। जब आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, आप उसके लिए पैशनेट हैं, आपको लगता है कि यस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, तो उसको एक गंभीर सोच दीजिए, शुरू करिए। उद्यमिता की शुरुआत तब हो जाती है जब हम एक आइडिया पर, जिसके बारे में हम खुद बहुत पैशनेट हैं, एक गंभीर चिंतन देते हैं। आइडिया कैसा? कोई भी ऐसा आइडिया जिससे हम समाज की, देश की, राष्ट्र की, पूरे दुनिया की किसी न किसी रूप में मदद कर सकें। अगर हमें लगता है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं उस आइडिया पर काम शुरू किया जाए। वो आइडिया एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक सर्विस हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई नवाचार हो सकता है। आपके माइंड में कोई विचार आए कि ये काम करना चाहिए, इसको ऐसे करेंगे तो नई टेक्निक होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी बेहतर होगी, आप उस पर काम करना शुरू करिए। जितना जल्दी आप अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाएंगे और उसको अपना काम करने देंगे, उतना जल्दी आप खुद आनंद से जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर पाएंगे। हम सब के मस्तिष्क में कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करिए। पहली भ्रांति, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ज़रूरत नहीं। आप अपने घर से शुरू करिए, अपने ऑफिस से शुरू करिए, अपने मोबाइल से शुरू करिए। किसने कहा है कि आप बहुत बड़े स्केल पर काम करें? आपको आनंद आना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बस शुरू कर दीजिए। कई लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही पड़ेगा। इस भ्रांति को भी निकाल दीजिए, आप अपने स्तर पर शुरुआत करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा है, लोगों को अप्रिशिएट लगा, कुछ लोग आपके सपोर्टर बनेंगे, कुछ आपके साथ नेटवर्किंग करेंगे, जो काम आप कर रहे हैं उसमें कई लोग किसी न किसी रूप में मदद करना चाहेंगे, आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई। तो आप शुरू करिए, जितने छोटे स्तर पर शुरू करेंगे उतना अच्छा है। अपना क्लियर विज़न बनाइए, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं जिसमें आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं। आप वाकई एक ऐसा प्रोडक्ट या सेवा प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे आप लोगों के जीवन में खुशहाली ला सके, लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार ला सके, परिवर्तन ला सके। कोई ऐसी समस्या चुनिए जिसके बारे में लोग चिंतित हैं और उस समस्या को लेकर के परेशान हैं, लेकिन आपके पास उस समस्या का समाधान है। ऐसी किसी समस्या से अपनी शुरुआत करिए। आगे बात आती है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट यानी क्या लागत आएगी उसका आकलन करिए, रेवेन्यू यानी क्या आमदनी होगी उसके बारे में एक अनुमान लगाइए। एक बार के लिए प्रॉफिट को भूल जाइए, प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है, रेवेन्यूज ज़रूरी है। रेवेन्यूज का मतलब प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू मतलब फ्लो ऑफ मनी। आपने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर किए समाज को, समाज ने बदले में जो आपको पेमेंट किया, दैट इज़ रेवेन्यू।
रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन अगर रेवेन्यूज अच्छे हैं, रेवेन्यूज का फ्लो अच्छा है, तो आप काम करिए, खूब काम करिए। कई बार हो सकता है रेवेन्यूज ना आए, लेकिन लोगों की दुआएं मिलती रहे, ठीक है, आप शुरू कर दीजिए। उन दुआओं में भी बड़ी ताकत होती है। मान लीजिए आप ऐसे लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाने का काम शुरू करिए, उनको पढ़ाइए। आप कह रहे हैं वो फीस नहीं चुका पाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। वो फीस नहीं चुका पा रहे, लेकिन वो आपको बहुत दुआएं देंगे। आप अपने काम को शुरू करिए। जहाँ आप कोई आइडिया के प्रति कमिटेड हैं, पैशनेट हैं, आपके अंदर उस काम को करने का जज्बा है, आप शुरू करें। जब आप अपने काम की शुरुआत करते हैं तो अलग अलग स्टेजेस पर उसमें किसी न किसी रूप में आपको लोगों के साथ में मिलना पड़ेगा और लोगों के साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ आपके वेल विशर्स आपसे जुड़ जाएंगे। आपने अच्छा काम किया, 10 लोग फिर भी आपके क्रिटिसाइज करेंगे, 2-3 लोग ऐसे होंगे जो आपके काम को बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपके साथ जुड़कर आपकी मदद करना चाहेंगे, आपको उस काम को अंजाम देने में हर तरह से सहायता देंगे। ऐसे लोगों को मत भूलिए, ऐसे लोगों को पकड़ के रखिए अपने साथ, एक नेटवर्क बनाइए जिससे आपको अपने काम में सफलता जल्दी मिल सके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता के बाद सफलता आपको मिलती जाएगी, ये एक महज शुरुआत होगी। उद्यमिता के क्षेत्र के अंदर वही व्यक्ति ज़्यादा सफल होते हैं जो हर काम को पूरे जोश, उत्साह, उमंग और जज्बे के साथ करते हैं। उनके माइंड बिल्कुल क्लियर होता है वो किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उद्यमिता एक मदद है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपने किसी की मदद की, वो व्यक्ति आपको बदले में, उसके बदले में भुगतान देगा। भुगतान नहीं दे सकता है तो दुआएं देगा, कुछ ना कुछ वो आपको देगा। तो उद्यमिता की शुरुआत इस प्रकार हो सकती है। अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है, आप चाहें तो उसका पेटेंट करवा सकते हैं। हालांकि भारतीय दर्शन ये विश्वास करता है कि जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की, जो नवाचार आपने डेवलप किया, वो इस दुनिया के नाम अर्पित कर दो, इससे हर व्यक्ति को इस्तेमाल करने दो। तो भारतीय दर्शन की इसी विचारधारा के कारण भारतवासियों ने हजारों लाखों आविष्कार किए, लेकिन उनके पेटेंट पर या उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अगर हमें वैश्विक सोच को ध्यान में रख के काम करना है, तो ये एक स्वाभाविक बात है। जो भी तकनीक आपने विकसित की है, जो भी आविष्कार आपने किए हैं, जहाँ लगता है कि यहाँ मेरे द्वारा विकसित की हुई टेक्नोलॉजी दूसरों की टेक्नोलॉजी से फार बेहतर है, बहुत अच्छी है, आप उसकी पेटेंट करवा लें। और पेटेंट कराने के बाद उस टेक्नोलॉजी को लोगों को प्रचारित करने का प्रयास करें। पहले नहीं, सबसे पहले पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दें, पेटेंट हो जाए उसके बाद लोगों को उसके बारे में प्रशिक्षण दें, जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। जब आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं अपने उद्यमिता में, देखिए मार्केटिंग, फाइनेंस, ये दोनों काम आपको ही करने पड़ेंगे। शुरू में आपको अपनी कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करना पड़ेगा, फाइनेंस मोबिलाइजर के रूप में भी काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों काम शुरू में आप ही करेंगे। मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब ये समझना कि मैं जो प्रोडक्ट या उत्पाद बाज़ार में बेचना चाहता हूँ या जो सेवाएं मार्केट में देना चाहता हूँ, उससे किसको फ़ायदा मिलेगा, कैसे फ़ायदा मिलेगा, उसकी ज़रूरत किसको है, उससे मैं किसकी समस्याओं का समाधान करूँगा और कैसे करूँगा, उससे मैं किस तरह लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने में मदद करूँगा, ये समझना। और उसके बाद लोगों के साथ फेवरेबल रिलेशन स्थापित करना, जिससे लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, सेटिस्फाइड हों, फुल्ली सेटिस्फाइड हों,
कहीं कोई दिक्कत आए फिर आपसे मिलें, आपको फीडबैक दें, आपको बताएं इस प्रोडक्ट में ये कमज़ोरी है या इसमें ऐसे सुधार कीजिए आप, तो आप उनके फीडबैक के आधार पर उस प्रोडक्ट में सुधार करने का प्रयास करें, उसको और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करें। ये सारे प्रयास हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग के अंदर 4 P's सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी आप क्या उत्पाद बेच रहे हो, क्या सेवाएँ बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को कस्टमर के बेनिफिट के रूप में उसको डिफाइन करिए। आप ये मत बोलिए कि मैं पंखा बना रहा हूँ, आप ये बोलिए कि मैं लोगों को गर्मी से राहत प्रदान कर रहा हूँ, और उसके लिए राहत प्रदान करने के लिए आप चाहें तो पंखा बनाएं, चाहे कूलर बनाएं, चाहे एयर कंडीशन बनाएं। तो जब आप प्रोडक्ट, पहला पी प्रोडक्ट, दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्लेस और चौथा प्राइस। तो पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी क्या प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, क्या ऑफरिंग्स हैं आपकी समाज को जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके, फायदे मिल सके, और लोगों तक पहुंचने के लिए आपको प्रमोशन का सहारा लेना पड़ेगा। प्रमोशन मतलब विज्ञापन, प्रचार प्रसार, पब्लिसिटी आदि आदि। आपके कस्टमर्स आपके लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपके कस्टमर्स आपके उत्पाद के बारे में 10 लोगों को बताएंगे, वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जब तक कस्टमर्स नहीं मिलते, तब तक कस्टमर्स को कांटेक्ट करने के लिए आपको प्रचार प्रसार का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप समाज की डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से सोशल वेंचर कर रहे हैं, NGO चला रहे हैं, तो आप पब्लिसिटी का सहारा लीजिए। अगर आपका उत्पाद किसी भी कमर्शियल उत्पाद की तरह है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं, तो आप विज्ञापन, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी इनका सहारा लीजिए। विज्ञापन आज की ज़रूरी चीज़ बन गई है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आपको अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक फेवरेबल इमेज लोगों के दिमाग में स्थापित करने के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आज इसी विज्ञापन के कारण लोग ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद को 3 गुना दाम पर खरीद लेते हैं, जबकि उसी उत्पाद को बिना ब्रांड नाम के आप बेचेंगे तो कोई व्यक्ति 1/3 दाम पे भी नहीं खरीदेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी नामी गरामी कंपनी का टूथपेस्ट खरीदें, उसी टूथपेस्ट को अगर मैं बिना नाम ब्रांड के आपको ऑफर करूं कि लो भाई देखो, ट्राई करो और काम में लो, आप नहीं खरीदेंगे, आधे दाम में नहीं खरीदेंगे, 1/4 दाम में भी नहीं खरीदेंगे। ये हम लोगों की मानसिकता बन गई है। हम लोग ऐसा सोचने लग गए हैं, कोई चीज़ अखबारों में लिखी हुई है, कोई चीज़ TV में आ रही है, किसी के बारे में प्रचार प्रसार आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, किसी के बारे में कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है, कह रहा है कि साहब ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, अमिताभ बच्चन कह रहा है आप इस उत्पाद का इस्तेमाल करिए, तो हमको लगता है कि हाँ अगर ऐसी कोई बात है तो उस उत्पाद में वाकई दम है, हमें उसको खरीदना चाहिए। लेकिन अगर किसी उत्पाद का विज्ञापन नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है, तो क्या पता वो रिलायबल नहीं है, क्या पता वो शानदार प्रोडक्ट नहीं हो। हमको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अगर कोई प्रोडक्ट बाजार में बेच रही है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये गलत फहमियाँ हैं ये जो हम लोगों के दिमाग में, लेकिन ये आम व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर ये बातें समाई हुई, तो आपको भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए, पब्लिसिटी डिज़ाइन करिए, प्रमोशन डिज़ाइन करिए। प्रमोशन मतलब किस प्रकार से आप ब्रांड लोगों के माइंड में स्थापित करेंगे, किस प्रकार ब्रांड के प्रति लोगों के मस्तिष्क में एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक एटीट्यूड विकसित करेंगे। तो प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिर है प्लेस, कैसे आपका उत्पाद, आपके गुड्स, आपके सर्विसेज लोगों तक पहुँचेंगे, क्या चैनल रहेगा, क्या जरिया रहेगा, कौन आपके उत्पाद को खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है,
सीधे आप कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंचें, क्या तरीका हो, क्या बीच में कोई चैनल हो, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे। मान लीजिए आपने टूथपेस्ट बनाए, टूथपेस्ट को सेल करने के लिए, पूरे भारत में सेल करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, डीलर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनके साथ रेगुलरली मार्केटिंग पर संवाद स्थापित करना पड़ेगा, उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि देखिए हमारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से इस तरह बेहतर है, इसमें ये अच्छी बातें हैं, ताकि आप रिटेलर्स को बताएं, वो आगे कस्टमर्स को बताएं, ताकि कस्टमर्स आपका माल अधिक से अधिक संख्या में खरीदें। तो इस सारी स्ट्रेटेजी को आपको बनाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है प्राइस, यानी दाम कैसे रखें। ऐसे दाम रखिए जिससे कस्टमर्स को साइकोलॉजिकल ठीक रेट लगे, न ज़्यादा ज़्यादा, न कम, न हाई न लो। प्राइसिंग बहुत टेढ़े टेढ़ा काम है। अगर आप ज़्यादा दाम रखेंगे तो कस्टमर्स नहीं जुड़ पाएंगे, कम दाम रखेंगे तो हो सकता है कई कस्टमर्स को लगे कि ये इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए इतने सस्ते में बेच रहे हैं। तो आपको इन सब बातों पर विचार करते हुए अप्रोप्रिएट प्राइसिंग करनी पड़ेगी। प्राइसिंग ऐसी हो, प्राइसिंग को डिज़ाइन करते वक्त कोई कॉस्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइसिंग को ध्यान रखते वक्त सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के माइंड, कंपटीटर्स की स्ट्रैटेजी, इनको ध्यान में रखना है। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, दूसरी कंपनियां किस रेट पर प्राइस ऑफर कर रही है, वो ध्यान में रखिए। प्राइस तय होने के बाद फिर आप तय करिए कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम करेंगे ताकि वो प्राइस से नीचे रहे। ये प्राइस, ये आपकी कॉस्ट। प्राइस और कॉस्ट का जो फ़र्क है वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका मार्जिन है। और उसके लिए आपको कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्रिएटिवली, इनोवेटिवली कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोई भी उद्यमी पहले दिन से सफल उद्यमी नहीं बनता। जितना आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उतना ही आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से डिज़ाइन कर पाएंगे और ज़्यादा सफल हो पाएंगे। शुभकामनाएं।